हाँ जी देखिए, घर पर ये क्या है, घर से वीडियो बनाने में लाइट की बड़ी प्रॉब्लम रहती है। तो अपन चल रहे थे पोलर फॉर्म ऑफ ए कोच रिमान इक्वेशन, उसके अंदर अपन ने क्या किया था, एक्स बराबर था अपना आर कोस थीटा, वाई बराबर था आर साइन थीटा, और आर स्क्वायर बराबर था आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और थीटा बराबर था आपका टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। ये था, यहाँ से अपन ने क्या किया है, आर का अपन ने एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव निकाला है। कैसे निकाला है, तो इसके लिए आपने क्या किया है, इस इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट किया है आपने किसकी रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में। तो एक्स आर है वो एक्स और वाई का फंक्शन है, तो अपन आर का जो डेरिवेटिव करते हैं तो देखिए टू आर, फिर फंक्शन आर का कर दिया अपन ने डेरिवेटिव एक्स के रेस्पेक्ट में, यहाँ से अपना आया था टू एक्स, और फिर डेल आर अपॉन डेल एक्स बराबर एक्स अपॉन आर, यहाँ से जो वैल्यू निकल के आई है आपने अपनी वो आई थी एक्स बराबर अपने ये जो वैल्यू पुट करेंगे आर कोस थीटा अपॉन आर, आर से आर कैंसिल हो जाएगा, आपके पास डेल आर अपॉन डेल एक्स की वैल्यू बचेगी कोस थीटा। ये जो डेरिवेशन है काफ़ी लंबा है, इसलिए अपन ने क्या किया है कि डेल आर अपॉन डेल एक्स की जो वैल्यू है उसको साइड में लिख लिया है। इसी प्रकार अपन ने निकाला था डेल आर अपॉन डेल वाई, और डेल आर अपॉन डेल वाई की भी वैल्यू अपन ने साइड में लिख दी है। दोनों को इक्वेशन नाम दिया था अपन ने, इसको दिया था पाँच, और जो अपना डेल आर अपॉन डेल वाई साइन थीटा था ये था इक्वेशन सिक्स। ठीक है ना, यहाँ तक पोलर फॉर्म ऑफ कोस रिमान इक्वेशन। देखिए ये आपके एग्जाम में भी काफी टाइम पूछी जाती है, काफी टाइम पूछ चुका है ये वाली इक्वेशन को कि कोस रिमान इक्वेशन का ध्रुवीय रूप। ये ठीक है, अब देखिए अब अपन को आगे जो काम में आने वाली चीज है वो निकालना पड़ेगा आपको, डेल थीटा अपॉन डेल एक्स और डेल थीटा अपॉन डेल वाई, वो भी अपन आसानी से निकाल सकते हैं क्योंकि थीटा बराबर आपको दिया हुआ था टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स थीटा। ठीक है ना, थीटा क्या है, फंक्शन है एक्स और वाई का, तो अपन थीटा का एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं, इसको नाम दिया था अपन ने इक्वेशन फोर नाम दिया था। तो डिफ्रेंशिएट इक्वेशन फोर विद रेस्पेक्ट टू एक्स, डिफ्रेंशिएट इक्वेशन फोर्थ विद रेस्पेक्ट टू, यहाँ से स्टार्ट करना है आपको, ये तो आपने लिख ही रखा है विद रेस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रेस्पेक्ट में देखिए इसका कर दीजिए थीटा को, थीटा करेंगे तो यहाँ से डायरेक्ट हो जाएगा डेल थीटा अपॉन डेल एक्स। अब देखिए टेन इनवर्स का क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स का जो डेरिवेटिव है वो होता है वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, अब इसका करोगे आप क्या आएगा, वन अपॉन वन प्लस वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। ये बात क्लियर है, देखिए अब ये अंदर वाला फंक्शन है, इसका भी अपन को एक्स के रेस्पेक्ट में वो करना है डेरिवेटिव। अब वाई अपॉन एक्स है तो इसका जो आप डेरिवेटिव करोगे क्या होगा, वाई तो यहाँ पर कॉन्स्टेंट है तो वाई को आप एज इट इज लिख दोगे। वन अपॉन एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, ये डेरिवेटिव है, इसको यहाँ पर लिख दीजिए मल्टीप्लीकेशन के अंदर, वन अपॉन वाई माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर। सिर्फ कैलकुलेशन है यहाँ पर और कुछ नहीं है, आसानी से समझ में आ जाएगा आप लोगों को, यहाँ पर जो चीज़ें समझाने की होगी वो मैं समझा दूंगा। अब यहाँ से आप क्या करने वाले हो, वन अपॉन ये एक्स स्क्वायर हो गया इधर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये बात ठीक है ना, मल्टीप्लीकेशन के अंदर अपने हैं माइनस का वाई अपॉन एक्स स्क्वायर। अब देखिए इस एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, आपके पास जो बचेगा यहाँ पर वो बचेगा माइनस वाई अपॉन
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यही बचेगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वेशन सेकंड से देखिए क्या होती है, इक्वेशन थर्ड से आर स्क्वायर के बराबर होता है, वाई बराबर क्या होता है आर साइन थीटा। तो यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड और थर्ड से यहाँ पर वैल्यू पुट कीजिए, ये हो गया माइनस का आर साइन थीटा अपॉन क्या है ये आर स्क्वायर। अब देखिए आर से आर कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास डेल थीटा अपॉन डेल एक्स निकल के आएगा, वो क्या निकलेगा माइनस साइन थीटा अपॉन आर। इक्वेशन दे दीजिए इसको सेवन, सिक्स तक पहले दे दिए, इसको इक्वेशन दे दिया सेवन। तो यहाँ से ये जो वैल्यू है इसको भी अपन साइड में लिख लेते हैं, डेल थीटा अपॉन डेल एक्स माइनस का साइन थीटा अपॉन आर, ये हो गया। अब आपको निकालना है डेल थीटा अपॉन डेल वाई, तो आप क्या करोगे थीटा का वाई के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे। तो डिफरेंशिएट इक्वेशन फोर्थ, डिफरेंशिएट इक्वेशन फोर्थ विद रेस्पेक्ट टू वाई, वाई के रेस्पेक्ट में कर दो सेम ऐसे ही, डेल थीटा अपॉन डेल वाई बराबर वन अपॉन वन प्लस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर नहीं वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। और अब देखिए आप वाई के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो यहाँ से वाई अपॉन एक्स है, ठीक है ना, तो यहाँ से कॉन्स्टेंट कौन है, जब वाई के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो वन अपॉन एक्स, तो वन अपॉन एक्स को एज इट इज रख दीजिए। और y का जब आप डेरिवेटिव करोगे तो वो आता है वन, वन हो गया, चलो ठीक है यहाँ तक। अब यहाँ से इसको सॉल्व कीजिए, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर जो मल्टीप्लीकेशन के अंदर है वन अपॉन एक्स है, ठीक है ना। तो यहाँ से जो वैल्यू निकल के आएगी एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा और आपके पास जो बचेगा ये जब ऊपर जाएगा तो यहाँ से आप लिख सकते हो एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स बराबर होता है आर कोस थीटा और ये हो गया आर स्क्वायर के बराबर। तो यहाँ से ये बराबर हो गया कोस थीटा अपॉन आर, इसको दे दो इक्वेशन एट के उतारो, इसको भी यहाँ पर साइड में लिख लेते हैं डेल थीटा अपॉन डेल वाई। देखिए यहाँ पर कोई मिस्टेक तो नहीं है, एक भी यदि एक भी इक्वेशन के अंदर मिस्टेक हो गई तो अपना डेरिवेशन गलत हो जाएगा, तो ये ध्यान रखते हुए चलना है कोस थीटा अपॉन आर। ऐसा नहीं है कि मुझसे भी गलती नहीं हो सकती, मुझसे भी हो सकती है, क्लास में होते तो आप लोग बता देते सर यहाँ पर गलती हो रही है, तो इसको उतार लो फिर आगे चलते हैं। अच्छा ये अपन ने क्यों निकाले हैं एक बार उतार लो फटाफट।
मिटा रहा हूँ। देखिए ये अपन ने क्यों निकाले हैं, क्योंकि जो अपना कोशी रीमान इक्वेशन थी, कोशी रीमान इक्वेशन की तो अपन पोलर फॉर्म फाइंड आउट कर रहे हैं, तो जो कोशी रीमान इक्वेशन थी वो आपके पास थी डेल यू अपॉन डेल एक्स बराबर डेल यू अपॉन डेल वी अपॉन डेल वाई, और डेल यू अपॉन डेल वाई ये बराबर था माइनस का डेल वी अपॉन डेल एक्स की। यह आपकी थी पोलर फॉर्म, वो कार्टेशियन फॉर्म। आपको चाहिए पोलर फॉर्म, तो आप देखिए आपको क्या करना है, डेल यू अपॉन डेल एक्स है और डेल यू अपॉन डेल वाई है, इनको थीटा की और आर की फॉर्म में लेके आना है, आर की और थीटा की फॉर्म में फाइंड आउट करना है और इसके अंदर रख दो। रखने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो अपना क्या होगा, पोलर फॉर्म में। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अच्छा यू का यू है वो अपन को चाहिए आर और थीटा की फॉर्म में, वी भी आर और थीटा की फॉर्म में चाहिए, तभी तो पोलर फॉर्म के अंदर होगा। तो यू है अपन को क्या चाहिए, हम डेल यू अपॉन डेल एक्स डेल वी अपॉन डेल वाई डेल यू अपॉन डेल वाई और डेल वी अपॉन डेल एक्स, ये सी सारी चीज़ें चाहिए। ये चारों चीज़ें अपन निकालेंगे, तो सबसे पहले निकालते हैं आप, अपन निकालते हैं डेल यू अपॉन डेल एक्स। देखिए हमारे पास जो यू है यहाँ पर अपन को चाहिए आर और थीटा की फॉर्म में, यू कोई एक फंक्शन है आर और थीटा की फॉर्म में, इसको अपन कार्टेशियन फॉर्म में भी तो लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हो, यू आर की जो वैल्यू थी वो थी रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और थीटा की जो वैल्यू थी टेन इनवर्स y अपॉन एक्स। इन दोनों वैल्यूज को आप यहाँ पर पुट कर दीजिए, आपकी जो वैल्यू निकल के आएगी वो कार्टेशियन फॉर्म के अंदर आ जाएगी, ठीक है ना। तो अपन क्या कर रहे हैं, u का x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं, u चाहिए अपन को r और थीटा की फॉर्म में। तो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले तो अपन फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो पार्शियल डेरिवेटिव के अंदर आपने पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में, u का आप करोगे r और थीटा के रेस्पेक्ट में, फिर अपन देख लेंगे आर का भी एक्स के रेस्पेक्ट में निकाल सकते हैं और थीटा का भी एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर सकते हैं। तो ये पार्शियल के अंदर अपने पढ़ रखा है, फाइनल में आप इतना ज़्यादा डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ से डेल यू अपॉन डेल एक्स ये बराबर हो जाता है, यू है यू आपका फंक्शन है आर और थीटा का। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, यू को डेरिवेटिव कीजिए आर के फॉर्म में और थीटा के रेस्पेक्ट में। तो आपने सबसे पहले कर दिया डेल यू अपॉन डेल आर, और आपने कर दिया डेल यू अपॉन डेल थीटा, ठीक है। अब अंदर वाले फंक्शन का कर दीजिए, आर का करेंगे तो डेल आर अपॉन आर किसका फंक्शन है एक्स का, और आप डेरिवेटिव कर रहे हो एक्स के रेस्पेक्ट में, डेल आर अपॉन डेल एक्स प्लस डेल वी डेल यू अपॉन डेल थीटा डॉट, और थीटा का एक्सपेरिमेंट में करोगे तो डेल थीटा अपॉन डेल एक्स। ये चीज समझ में आ गई, कैसे किया है, यू है वो फंक्शन चाहिए अपन को आर और थीटा की फॉर्म में, तो सबसे पहले यू का जो पार्शियल डेरिवेटिव है एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो एक्स के रेस्पेक्ट से पहले इसका अपन सबसे पहले करते हैं आर की रेस्पेक्ट में और थीटा की रेस्पेक्ट में, जिसका ये फंक्शन है उसकी फॉर्म में कर देते हैं, फिर उसके बाद में अपन आर का एक्स के रेस्पेक्ट में कर देते हैं और थीटा का एक्स के रेस्पेक्ट में कर देते हैं। आपने फर्स्ट ईयर में ये चीज़ें पढ़ चुके हो, ये बात समझ में आ गई। अब देखिए कोशी रीमान इक्वेशन जो अपनी थी, जो एक्स और वाई की फॉर्म में थी, डेल यू अपॉन डेल एक्स बराबर डेल वी अपॉन डेल वाई, तो यहाँ पर अपन को आर और थीटा की फॉर्म में चाहिए, तो डेल यू अपॉन डेल आर है, डेल यू अपॉन डेल थीटा ये वी नहीं है, डेल यू अपॉन डेल आर है, डेल यू अपॉन डेल थीटा है। तो यहाँ से अपन क्या करेंगे, ये वो
वही चीज लिख रहा हूँ मैं, थोड़ा दूर था, डेल यू अपॉन डेल थीटा डॉट डेल थीटा अपॉन डेल एक्स। अपन क्या करेंगे, डेल आर अपॉन डेल एक्स और डेल थीटा अपॉन डेल एक्स है, इनकी जो वैल्यूज है, वैल्यूज जो अपन निकाल चुके हैं उनको यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो पुट कर दीजिए, तो ये जो वैल्यू निकल के आएगी, डेल यू अपॉन डेल आर डॉट, ये क्या है, डेल आर अपॉन डेल एक्स कोस थीटा प्लस ये चाहिए अपन को डेल थीटा अपॉन डेल एक्स, डेल थीटा अपॉन डेल एक्स है माइनस का साइन थीटा अपॉन आर। तो इसको माइनस को यहां पर लगा दो, डेल यू अपॉन डेल थीटा और ये आपका ब्रैकेट में हो जाएगा साइन थीटा अपॉन आर। ठीक है यहां तक। अब इसको नाम दे दीजिए, कहां तक हो गई थी अपनी, चार और चार आठ हो गई शायद, इसको इक्वेशन दे दीजिए 9। यह आपका डेल यू अपॉन डेल एक्स, इसी प्रकार आपको निकालना है डेल यू अपॉन डेल वाई, डेल यू अपॉन डेल वाई निकालने के बाद डेल वी अपॉन डेल एक्स और डेल वी अपॉन डेल वाई, ये चारों चीजें निकालनी है, कोशी रीमान इक्वेशन के अंदर पुट करनी है, फिर अपन को कंपेरिजन करके आगे सॉल्व करना है। इसको इक्वेशन दे दिया। अब नेक्स्ट, अब पुनः पुनः आप निकाल रहे हो डेल यू अपॉन डेल वाई, तो देखिए यू है वही सेम कॉन्सेप्ट है, आप लिख लीजिए डेल यू अपॉन डेल आर एंड डेल आर अपॉन डेल वाई प्लस डेल यू अपॉन डेल थीटा डॉट डेल थीटा अपॉन डेल वाई। ये जो चीज लिखी है अपन ने वो समझ तो आ रही है ना आपको, ये कैसे लिखी है, आपने फर्स्ट ईयर के अंदर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा हुआ है, उसमें पढ़ा होगा ये चीजें। तो यहां से ये बराबर होगा डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल्स टू डेल यू अपॉन डेल आर और डेल आर अपॉन डेल वाई साइन थीटा साइन थीटा और डेल थीटा अपॉन डेल वाई कोस थीटा अपॉन आर प्लस डेल यू अपॉन डेल थीटा डॉट कोस थीटा अपॉन आर। इसको दे दो इक्वेशन 10। अब आपको निकालना है डेल वी अपॉन डेल एक्स और इसी प्रकार आप निकालो डेल वी अपॉन डेल, आप निकाल रहे हो डेल वी अपॉन डेल एक्स, डेल वी अपॉन डेल एक्स क्या हो जाएगा, वी अपन क्या ले रहे हैं आर और थीटा का फंक्शन, तो पहले वी का आर के रेस्पेक्ट में और थीटा के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करो, फिर आर का एक्स के रेस्पेक्ट, एक्स के रेस्पेक्ट में और वाई का एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है। यहां से डेल वी अपॉन डेल आर एंड डेल आर अपॉन डेल एक्स है ना एक्स प्लस डेल वी अपॉन डेल थीटा डॉट डेल थीटा अपॉन डेल वाई। यहां से वैल्यूज पुट कीजिए, डेल आर अपॉन डेल एक्स कोस थीटा होता है और डेल थीटा अपॉन डेल वाई होता है कोस थीटा अपॉन आर। देखो ये गलती हो रही है, अगर ये गलती हो जाती तो फिर ये अपना पूरा डेरिवेशन गलत हो जाता। अपन डेरिवेटिव कर रहे हैं एक्स के रेस्पेक्ट में, तो आर का एक्स के रेस्पेक्ट में करना है और थीटा का भी एक्स के ही रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है, तो ये हो गया एक्स। ये छोटी छोटी गलती है एग्जाम के अंदर, फिर आप ढूंढने बैठो कहाँ गलती हुई।
आपको मिलेगी भी नहीं, तो आप पहले प्रैक्टिस करना डेल वी अपॉन डेल एक्स, ये बराबर हो गया आपका डेल वी अपॉन डेल आर, डेल आर अपॉन डेल एक्स है आपका कॉस थीटा, और डेल थीटा अपॉन डेल एक्स है माइनस का साइन थीटा अपॉन आर, तो माइनस को अपन आगे लगा लेते हैं डेल वी अपॉन डेल थीटा, और ये हो गया साइन थीटा अपॉन आर। हाँ सही है, इसको इक्वेशन दे दीजिए 11। नेक्स्ट पुनः एक और निकालना है बस, डेल वी अपॉन डेल वाई, आवाज तो आ रही है, डेल वी अपॉन डेल वाई बराबर डेल वी अपॉन डेल आर डॉट डेल आर अपॉन डेल वाई प्लस डेल वी अपॉन डेल थीटा डॉट डेल थीटा अपॉन डेल वाई। ये ध्यान रखते हुए चलना है, कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। वैल्यूज पुट किए, डेल वी अपॉन डेल आर ये एज इट इज, डेल आर ये हो गया डेल वी अपॉन डेल वाई डॉट, यहाँ से डेल आर अपॉन डेल वाई की वैल्यू क्या है साइन थीटा, प्लस डेल थीटा अपॉन डेल वाई है कोस थीटा अपॉन आर, तो ये डेल वी अपॉन डेल थीटा और डेल थीटा अपॉन डेल वाई हो गया कोस थीटा अपॉन आर, ये उतार लीजिए, ये हो गई इक्वेशन 12। कोसी रोमान इक्वेशन से ये उतार लिया। देखिए जो अपनी कोशी रिमान इक्वेशन है वो लिखिए, कोशी रिमान इक्वेशन से आप देखिए कोशी रिमान समीकरण
क्या है, डेल यू अपॉन डेल एक्स बराबर डेल वी अपॉन यू और वी में तो फर्क दिख रहा है आपको, डेल वाई तथा डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स। ये आपकी कोशी रिमान इक्वेशन है। जो अभी आपने चार इक्वेशन लिखी है उन इक्वेशन से यहाँ पर वैल्यू पुट कीजिए, पुट करिए। जो वैल्यू अपन लिखेंगे डेल यू अपॉन डेल एक्स बराबर डेल वी अपॉन डेल वाई, जो आपने अभी वैल्यू निकाली है वो वैल्यू को यहाँ पर पुट करिए। तो पुट करने के बाद अपनी आती है कॉस थीटा आप देख लेना, अपन ने निकाला था सबसे पहले डेल यू अपॉन डेल एक्स, फिर निकाला था डेल यू अपॉन डेल वाई, फिर निकाला था डेल वी अपॉन डेल एक्स, फिर निकाला डेल वी अपॉन डेल वाई। इक्वेशन को दिया था 9, 10, इसको दिया था 11 और इसको दिया था 12। तो आप लिखिए बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड फोर नाइन्थ एंड ट्वेल्थ बाय इक्वेशन 9 and 12 इक्वेशन 9 तथा 12 से आप यहाँ पर वैल्यू पुट कीजिए। जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी कोस डेल यू अपॉन डेल आर कोस थीटा माइनस साइन अपॉन साइन थीटा अपॉन आर, या फिर ये यू हो गया डेल यू अपॉन डेल थीटा और साइन थीटा अपॉन आर, साइन थीटा अपॉन आर ये बराबर था आपके साइन थीटा डेल वी अपॉन डेल आर अपॉन डेल आर साइन थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन आर अपॉन आर डेल वी अपॉन डेल थीटा। ये बात हो गई। आप देखिए इसको नाम दे दिए इक्वेशन 13। इसको दे दीजिए 13। नाउ बाय इक्वेशन कौन सी रह गई, 10 और 11 थी, 10 एंड 10 एंड 11। अब लिखिए इसमें रखनी है डेल यू अपॉन डेल वाई और डेल वी अपॉन डेल एक्स की वैल्यू। तो ये रखने पर जो आई आपकी डेल यू अपॉन डेल आर कोस थीटा अपॉन आर साइन थीटा इधर माइनस साइन थीटा अपॉन आर और कोस थीटा, ये क्लियर है। अब ये हो गया डेल यू अपॉन डेल आर साइन थीटा ये हो गया कोस थीटा प्लस डेल यू अपॉन डेल थीटा कोस थीटा अपॉन आर इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल आर माइनस कोस थीटा
माइनस कोस थीटा आ गया, माइनस आ गया। देख रहे हैं आपने उसमें डेल वी अपॉन डेल आर यहाँ पर डेल वी अपॉन डेल एक्स प्लस कोस थीटा ही है, माइनस नहीं है। अच्छा माइनस लगा रहे हैं अलग से, ये लगा रहे हैं सही है। यहाँ पर जो वैल्यू पुट करेंगे डेल वी अपॉन डेल एक्स की, तो आगे माइनस का साइन है इसलिए माइनस आ जाएगा। सही बात है, माइनस कोस थीटा यहाँ पर ये इक्वल और ये माइनस का साइन माइनस और ये माइनस साइन थीटा अपॉन साइन और जो माइनस का साइन थीटा अपॉन आर था वो हो जाएगा प्लस साइन थीटा अपॉन आर, तो ये प्लस हो जाएगा डेल वी अपॉन डेल थीटा साइन थीटा अपॉन आर। अच्छा ये वैल्यूज आ गई अपनी 14। अब देखिए यहाँ से यदि अपन यहाँ पर कोस थीटा को मल्टीप्लाई करते हैं पूरे इक्वेशन के अंदर और यहाँ पर साइन थीटा को मल्टीप्लाई करते हैं किसके अंदर, इक्वेशन 14 के अंदर दोनों को जोड़ते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका ये कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और ये कॉमन निकल जाएगा, तो जो इसकी वैल्यू होगी डेल यू अपॉन डेल आर कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ऐड करेंगे अपन इसमें कोस थीटा का मल्टीप्लाई करके और इसमें साइन थीटा का मल्टीप्लाई करके, ये हो जाएगा साइन थीटा कोस थीटा, ये हो जाएगा साइन थीटा कोस थीटा, ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे। इसी प्रकार यहाँ पर अपन ने किया है कोस का साइन थीटा कोस थीटा, यहाँ भी साइन थीटा कोस थीटा हो जाएगा, प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे। और यहाँ पर साइन थीटा यहाँ पर कोस का किया है तो कोस थीटा कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर वन, तो यहाँ पर वन अपॉन आर डेल बी अपॉन डेल थीटा आ जाएगा, ये बिल्कुल सही है। तो आप पर ये इक्वेशन इक्वेशन 13 को आपको मल्टीप्लाई करना है कोस थीटा से और इक्वेशन जो 14 है उसको मल्टीप्लाई करना है साइन थीटा से और दोनों को ऐड करना है। ऐड करोगे तो आपके पास जो आ जाएगा वो मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिख रहा हूँ, आप देख लीजिए। इसको कोस थीटा से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, इसको साइन थीटा से कर रहे हो, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा का एडिशन जो कि बराबर होता है बन के, और इसको आप बाहर निकालोगे, समझ में आ रहे हैं ना। इन दोनों के अंदर इसके आपने कोस थीटा से मल्टीप्लाई किया, इसको साइन थीटा से किया, आपने डेल यू अपॉन डेल आर को दोनों टर्म से बाहर निकाल दिया, आपके पास जो अंदर बचा जो बचा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा जो बराबर होता है बन के, तो यहाँ से आप लिख सकते हो डेल यू अपॉन डेल आर। यहाँ पर देखिए आपने कोस थीटा से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर साइन थीटा से किया, तो ये दोनों टर्म बराबर आ गई, यहाँ नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर भी ये कोस थीटा साइन थीटा कोस थीटा आ गया या कोस थीटा साइन थीटा आ गया, दोनों बराबर हैं, माइनस प्लस है तो कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर बात देखिए कोस थीटा से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्या किया आपने कोस थीटा से आपने मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर साइन थीटा से किया, तो ये हो गया कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, वन अपॉन आर को चलो बाहर ले लेते हैं, तो वो हो गया वन, वन हो गया ना, तो आपके पास जो बाहर बचा वन अपॉन आर डेल वी अपॉन डेल थीटा, वन अपॉन आर डेल वी अपॉन डेल थीटा। अब ये हो गया, अब आपको चाहिए क्या डेल यू अपॉन डेल थीटा, डेल यू अपॉन डेल थीटा ये चाहिए, तो ये कैसे चाहिए इसको आपको कोस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको साइन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, क्या करें
से कर रहे हैं, इसको साइन से कर रहे हैं, साइन कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर प्लस करेंगे, मतलब इसमें से इसको घटाएंगे, तो लिखिए पाई इक्वेशन इक्वेशन ये कौन सी है 14th को मल्टीप्लाई करना है आपको कॉस थीटा से, माइनस करना है इक्वेशन 13 को किससे मल्टीप्लाई करके साइन थीटा से, अच्छा इसमें कॉस थीटा मल्टीप्लाई किया क्या आया डेल यू अपॉन डेल आर साइन थीटा कॉस थीटा, इसमें साइन थीटा करेंगे तो डेल यू अपॉन डेल आर साइन थीटा कॉस थीटा दोनों सेम हो गए, इसमें से इसको घटा देंगे तो क्या आएगा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर सेम वही है ये माइनस प्लस हो जाएगा और ऐड हो जाएंगे, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा ये साइन स्क्वायर थीटा वो कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा सिर्फ आर, आर बचेगा तो आप आर को बाहर निकाल सकते हो, वन अपॉन आर डेल यू अपॉन डेल थीटा डेल यू अपॉन डेल थीटा। अब इधर की तरफ आ जाइए, यहाँ पर कॉस थीटा से मल्टीप्लाई किया, कॉस थीटा से किया, चलो ठीक है, यहाँ पर साइन थीटा से किया ये भी ठीक है, ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर माइनस है इसको माइनस करना है तो ये भी माइनस हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा तो माइनस को बाहर रखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा वन, तो आपके पास बचेगा माइनस डेल वी अपॉन डेल आर, माइनस डेल वी अपॉन डेल आर ये कैंसिल हो गया, यहाँ पर ये साइन थीटा ये कॉस थीटा दोनों सेम हो गए, और जब नेगेटिव करेंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा कैंसिल हो जाएगी, समझ में आ रहा है ना, तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ से इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो डेल यू अपॉन डेल थीटा बराबर माइनस आर डेल वी अपॉन डेल आर, जो कि कोसी रिमान समीकरण का, इसको लिख दीजिए इक्वेशन 15, इसको इक्वेशन 16, इक्वेशन समीकरण 15 तथा 16 कोसी रिमान समीकरण का ध्रुवीय रूप है, ये उतार लो, हाँ जी उतार लिया, नहीं उतारा तो उतार लेना, अपन नेक्स्ट चलते हैं, देखिए जिस प्रकार अपन ने इससे पहले जो दो नोट्स बनाए थे, सबसे पहले तो आप लोग जो अपनी पोलर फॉर्म में पोलर फॉर्म के अंदर जो कोसी रिमान इक्वेशन है उसको साइड में लिख लीजिए, वो तो आपको याद होनी चाहिए, डेल यू अपॉन डेल आर बराबर वन अपॉन आर डेल वी अपॉन डेल थीटा, और दूसरा है डेल यू अपॉन डेल थीटा बराबर माइनस का आर डेल वी अपॉन डेल आर,
दो कोसी रिमान इक्वेशन है पोलर फॉर्म के अंदर, ये आपने फाइंड आउट की थी। जिस प्रकार आपने दो नोट्स के अंदर लिखवाया था कि कोई भी फंक्शन आपको दिया हुआ है डब्लू बराबर एफ ऑफ जेड, तो इसका जो डेरिवेटिव होता है ये बराबर होता है डेल डब्लू अपॉन या फिर डेल एफ अपॉन डेल एक्स के। मतलब आप इस फंक्शन डब्लू का या फिर एफ का जेड के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है, तो आप जेड के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव ना करके यदि फंक्शन एक्स और वाई की फॉर्म में है तो फंक्शन का एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव कर दीजिए। जो वैल्यू निकल के आएगी वो बराबर होगी फंक्शन के जेड के रेस्पेक्ट में जो डेरिवेटिव उसके बराबर में। समझ में आ गया? तो जो ये तो था अपना कार्तीय रूप में कार्टेशियन फॉर्म के अंदर फॉर्मूला था। अब अपन ऐसे ही फॉर्मूला निकालने वाले हैं पोलर फॉर्म के अंदर। तो देखिए डब्ल्यू का ध्रुवीय रूप में अवकलन डब्लू का ध्रुवीय रूप में अवकलज डब्लू का ध्रुवीय रूप में अवकलज जो डेरिवेटिव प्राप्त होता है उसको अवकलज बोलते हैं। जो अवकलज प्राप्त करने की जो प्रोसेस है उसको अवकलन बोलते हैं। अवकलज अपन क्या निकाल रहे हैं? फंक्शन एफ का जेड के रेस्पेक्ट में अवकलज या फिर डेरिवेटिव ऑफ डब्लू इन पोलर फॉर्म DERIVATIVE डेरिवेटिव ऑफ डब्लू इन पोलर फॉर्म POLAR फॉर्म। अब यहाँ पर आपके पास कोई एक फंक्शन है W बराबर F ऑफ Z बराबर U प्लस आयोटा V, ये कोई एक फंक्शन है, ठीक है ना। अपन ने जब X के रेस्पेक्ट में किया था W का आपको करना है Z के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव, ठीक है। और ये जेड के रेस्पेक्ट में जो डेरिवेटिव आया था कार्टेशियन फॉर्म में क्या आया था? डेल डब्लू अपॉन डेल एक्स के बराबर, ठीक है। अब डब्लू किसका फंक्शन है? यू और वी का, और यू और वी किसके फंक्शन है? आर और थीटा के। देखिए अभी अपन जो निकालना जा रहे हैं पोलर फॉर्म के अंदर निकालने जा रहे हैं, जो फंक्शन लिया है अपन ने डब्लू वो लिया है पोलर फॉर्म के अंदर आर और थीटा की फॉर्म के अंदर, समझ रहे हो ना। W जो फंक्शन है वो R और थीटा की फॉर्म के अंदर है, तो इस W का आपको X के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है। कैसे करोगे? सबसे पहले अपन क्या करेंगे, W का R के रेस्पेक्ट में कर देंगे, जिसका फंक्शन है ये। W किसका फंक्शन है यहाँ पर पोलर फॉर्म के अंदर? R और थीटा का। तो सबसे पहले अपन W का जो डेरिवेटिव है डिफ्रेंशिएशन है पार्शियल डिफ्रेंशिएशन वो करेंगे R के जिसका ये फंक्शन है उसके रेस्पेक्ट में, आर के रेस्पेक्ट में कर दिया प्लस डब्लू का अपन ने थीटा का रेस्पेक्ट में कर दिया। आप आर का किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हो? एक्स के रेस्पेक्ट में। थीटा का भी आपको किसके रेस्पेक्ट में करना है? एक्स के रेस्पेक्ट में। तो कर दीजिए डेल आर अपॉन डेल एक्स, राइटिंग समझ में आ रही है और शफलिंग। तो ये हो गया डेल थीटा अपॉन डेल एक्स, ये बात क्लियर है। अब देखिए आपको जिस फॉर्म के अंदर लाना है, इसमें जैसे अपन को यहाँ पर जो फंक्शन था डब्लू बराबर एफ ऑफ जेड, इसका जो डेरिवेटिव एक्स की रेस्पेक्ट में एक्स की फॉर्म में भी लेके आ गए थे, एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकाल लिया था, आयोटा वाई
दूसरा था आयोटा डेल डब्ल्यू अपॉन डेल वाई, यही था क्या? हाँ, माइनस आयोटा डेल डब्ल्यू अपॉन डेल वाई, ये भी फॉर्म थी इसकी डेल डब्ल्यू अपॉन डेल जेड की। आप वाई के रेस्पेक्ट में कर लीजिए, आप वाई के रेस्पेक्ट में कर दीजिए, डब्ल्यू का डेरिवेटिव माइनस आयोटा से गुणा कर दीजिए, वो बराबर होता है डब्ल्यू का जेड के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव के बराबर। अब पोलर फॉर्म में भी देखिए, सबसे पहले अपन करेंगे इसको आर की फॉर्म में, आर की फॉर्म में करेंगे तो ये थीटा वाला है, इसको अपन कोसी भी मान इक्वेशन से थीटा वाले को किस में चेंज कर सकते हैं, आर के अंदर कर सकते हैं ना, तो करिए। सबसे पहले तो आप इनकी वैल्यू दीजिए, डेल आर अपॉन डेल एक्स डेल थीटा अपॉन डेल एक्स, तो जो वैल्यूज है वो लिखिए अपने नोट्स के अंदर, देखिए जो वैल्यू क्या है इनकी, डेल आर अपॉन डेल एक्स बराबर रहता है कोस थीटा डेल डब्ल्यू अपॉन डेल आर। अभी अपन निकालने जा रहे हैं डब्ल्यू का आर के रेस्पेक्ट फॉर्म के अंदर, ठीक है ना। आप सिर्फ डब्ल्यू कोई भी दिया हुआ है आर और थीटा की फॉर्म में, आप उसका आर के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कीजिए सिर्फ, और उसको इस फॉर्म जो फॉर्मूला निकल के आएगा उसके अंदर फिट कर दीजिए, वो जेड के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव के बराबर ही होगा। ये हो गया डेल डब्ल्यू अपॉन डेल आर, और डेल आर अपॉन डेल एक्स होता है अपना कोस थीटा प्लस डेल डब्ल्यू अपॉन डेल थीटा, इसको एज इट इज रखते हैं, और डेल थीटा अपॉन डेल एक्स है, इसकी जो वैल्यू अपन रखते हैं डेल थीटा अपॉन डेल एक्स की जो वैल्यू होती है माइनस साइन थीटा अपॉन आर, माइनस साइन थीटा अपॉन आर, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए ये जो फंक्शन है इसका अपन को डेरिवेटिव आर की फॉर्म के अंदर निकालना है, तो ये डेल डब्ल्यू अपॉन डेल थीटा है, इसको अपन चेंज कर लेंगे कोसी रिमान इक्वेशन से, पोलर फॉर्म के अंदर चल रहा है अपना, पोलर फॉर्म की कोसी इक्वेशन लेंगे कोसी रिमान इक्वेशन, तो यहाँ से आपको चाहिए यू और वी, जहाँ पर डब्ल्यू है तो डब्ल्यू को यू और वी की फॉर्म के अंदर लिखिए। सबसे पहले तो डेल डब्ल्यू अपॉन डेल आर कोस थीटा, ये माइनस को बाहर ले लेते हैं, ये हो गया डेल डब्ल्यू, डब्ल्यू को अपन लिखते हैं किसकी फॉर्म के अंदर है, यू प्लस आयोटा वी की फॉर्म के अंदर, तो ये हो गया डेल यू प्लस आयोटा वी अपॉन डेल थीटा, ये थीटा, और इधर बच गया आपके पास साइन थीटा अपॉन आर, यहाँ तक क्लियर है। अब नेक्स्ट देखिए डेल डब्ल्यू अपॉन डेल आर, ये हो गया कोस थीटा, डेल डब्ल्यू अपॉन डेल आर की फॉर्म में लाना चाह रहे हैं तो अपन देखिए ये माइनस हो गया, इसको अपन लिख सकते हैं डेल यू अपॉन डेल थीटा प्लस आयोटा को आप बाहर ले लीजिए कॉन्स्टेंट है, तो आयोटा डेल वी अपॉन डेल थीटा, और ये हो गया आपका साइन थीटा अपॉन आर। अब ये डेल यू अपॉन डेल थीटा है, ये डेल वी अपॉन डेल थीटा है, इसको अपन को बनाना है आर के रेस्पेक्ट में, इसको भी आर के रेस्पेक्ट में, तो डेल यू अपॉन डेल थीटा यहाँ से किसके बराबर होता है, डेल यू अपॉन डेल थीटा बराबर होता है माइनस का आर डेल वी अपॉन डेल आर के, तो वैल्यू पुट कीजिए डेल डब्ल्यू अपॉन डेल आर कोस थीटा है माइनस, ये हो गया माइनस आर डेल वी अपॉन डेल आर, माइनस आर डेल वी अपॉन डेल आर, और
डेल वी अपॉन डेल थीटा, डेल वी अपॉन डेल थीटा इसको अपन लिख सकते हैं, इसको इधर लेके आएंगे तो आर डेल यू अपॉन डेल आर, ये हो गया प्लस आयोटा आर इधर आ जाएगा, आर ये आ गया डेल यू अपॉन डेल आर अपॉन डेल आर। अब ये आर और थीटा की फॉर्म के अंदर आ गया। अब आपको क्या बनाना है, इसको इस फॉर्म के अंदर लाना है वापस, डेल डब्ल्यू अपॉन डेल आर लिखना है, फिर डेल डब्ल्यू अपॉन डेल आर को अपन बाहर ले लेंगे और आपके पास जो भी बचेगा वो आपका फॉर्मूले की फॉर्म में आ जाएगा। तो इस प्रोसेस को आप कर लीजिए, साइन थीटा अपॉन आर ये हो गया। अब देखिए डेल डब्ल्यू अपॉन डेल आर कोस थीटा माइनस, अब यहाँ से ये माइनस वन है, माइनस वन को अपन आयोटा स्क्वायर लिख सकते हैं ना। तो अपन को क्या करना है, डेल यू अपॉन डेल आर प्लस आयोटा डेल वी अपॉन डेल आर की फॉर्म में लाना है इसको। तो यहाँ से अपन आयोटा स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, आयोटा स्क्वायर माइनस वन की वैल्यू क्या होती है आयोटा स्क्वायर, तो ये हो गया आर डेल वी अपॉन डेल आर प्लस आयोटा आर डेल यू है ना, यू और वी में इतना छोटा डिफरेंस, यू अपॉन डेल आर, ये समझ में तो आ रहा है, साइन थीटा अपॉन आर। ये सिर्फ डेरिवेशन है, आपको समझ में आ जाएगी, एक बार आपको प्रैक्टिस भी करनी है। यहाँ से अपन आयोटा आर को बाहर निकाल देते हैं, तो आपके पास जो बचेगा डेल यू अपॉन डेल आर प्लस एक आयोटा यहाँ पर रह जाएगा आयोटा डेल वी अपॉन डेल आर, उसको अपन इस फॉर्म के अंदर लिख सकते हैं, डेल डब्ल्यू अपॉन डेल आर कोस थीटा माइनस आयोटा आर कॉमन ले लिया तो आपके पास जो बचा डेल यू अपॉन डेल आर प्लस आयोटा डेल वी अपॉन डेल आर साइन थीटा अपॉन आर। अब आप देखिए आर से तो आर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर ये उतार लो एक बार, ये समझ में आ गए होंगे, कैलकुलेशन सिर्फ आप फाइनल में हो, इतना ज़्यादा आपको समझाने की जरूरत नहीं है, काफ़ी समझदार हो आप सभी लोग। आप लोगों को तो एक बहाना चाहिए कि टीचर से पढ़ना है, अदरवाइज आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हो, काफ़ी समझदार हो। इसके बाद में आर से आर कैंसिल आउट, इसको आप क्या लिख सकते हो, u डेल यू अपॉन डेल आर प्लस आयोटा डेल यू अपॉन डेल आर, इसको आप लिख सकते हो डेल इस फॉर्म के अंदर लिख सकते हो ऐसे, इस टर्म को आप ऐसे लिख सकते हो डेल u प्लस आयोटा v अपॉन डेल आर, ये लिख सकते हो, ये बराबर होता है डेल w अपॉन डेल r की, ठीक है ना। तो अपन डायरेक्ट लिख रहे हैं, क्यों आप लोगों का भी ज़्यादा टाइम खराब हो, आप लोग इन चीज़ों को समझ रहे हो लेकिन मुझे बताना पड़ेगा, क्योंकि इसमें काफ़ी ऐसे बच्चे हैं जो समझेंगे नहीं इन चीज़ों को, उनको कैलकुलेशन भी बतानी पड़ती है, अदरवाइज इसकी जो प्रोसेस है वो इम्पोर्टेंट होती है कि कैसे चलना है आगे बढ़ते हुए, समझ रहे हो ना। अब यहाँ से ये हो गया आपका डेल डब्ल्यू अपॉन डेल आर माइनस सॉरी कॉस थीटा भी आएगा, कॉस थीटा माइनस आर से आर कैंसिल, आपके पास बचा आयोटा साइन थीटा या फिर आयोटा डेल डब्ल्यू अपॉन डेल आर
आयोटा आई यहाँ पर साइन थीटा क्या सही चल रहा है? बिल्कुल सही है। यहाँ से अपन डेल डब्ल्यू अपॉन डेल आर को कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल सेपरेट है मल्टीप्लिकेशन के अंदर, तो अपन डेल डब्ल्यू अपॉन डेल आर को कॉमन ले लेते हैं। आपके पास जो अंदर बचेगा कोस थीटा माइनस का आयोटा साइन थीटा, ये हो गया आपका डेल डब्ल्यू अपॉन डेल जेड, ये फॉर्मूला निकल के आ गया आपका। क्या फॉर्मूला है ये कि आपको W का Z के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है, जहाँ पर W है वो पोलर फॉर्म में है, मतलब ध्रुवीय रूप में है, तो आप क्या करोगे W का आप सिर्फ R के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करो, कोई भी फंक्शन हो R के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करो और उसको मल्टीप्लाई कर दो जो भी आपका रिजल्ट आएगा cos थीटा माइनस आयोटा sin थीटा से, जो अपन ना ये कैलकुलेशन करने के बाद रिजल्ट आएगा वो बराबर होगा W का जेड के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव के बराबर, समझ गए? ये एक तरीके से फॉर्मूला है। इसी प्रकार आपको निकालना है W का थीटा के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव, तो उसको और फटाफट कर लेते हैं। वो आप लोग खुद भी कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है। कितना टाइम हो गया? चलो कर लो, 10-15 मिनट लगेंगे। सेकंड पार्ट है अब, एक तो वो हो गया, सेकंड है डेल डब्ल्यू अपॉन डेल जेड बराबर होता है, वही सेम प्रोसेस है, वहाँ पर अपने थीटा को चेंज किया था, डेल डब्ल्यू अपॉन डेल थीटा को आर में चेंज किया था, यहाँ पर अपन डेल डब्ल्यू अपॉन डेल आर को थीटा में चेंज कर देंगे, बस वही चीज़ है। डेल डब्ल्यू अपॉन डेल जेड बराबर, ये किसके बराबर होता है कार्टेशियन फॉर्म में? ये बराबर होता है डेल डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स के। कोई सा फॉर्मूला आप यूज करके ये इनको डेरिवेटिव कर सकते हैं। तो ये हो गया, वही प्रोसेस है सेम, मैं ज़्यादा दोहरा नहीं रहा, सिर्फ ये लिख रहा हूँ, आप बता लेना डेल डब्ल्यू अपॉन डेल आर डॉट डेल आर डॉट डेल एक्स प्लस डेल डब्ल्यू अपॉन डेल थीटा डॉट डेल थीटा अपॉन डेल एक्स। अच्छा, अगेन यहाँ पर डेल आर अपॉन डेल एक्स और डेल डब्ल्यू डेल थीटा अपॉन डेल एक्स की वैल्यू पुट कीजिए। डेल आर अपॉन डेल एक्स की जो वैल्यू है वो कोस थीटा, यहाँ से डेल डब्ल्यू अपॉन डेल आर कोस थीटा प्लस ये डेल डब्ल्यू डेल थीटा तो एज इट ही रहेगा, यहाँ पर इसको अपन चेंज कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर इसको नेक्स्ट में लिख लेना या फिर यहीं पर लिख लो, यहीं लिख लो यू प्लस आयोटा वी अपॉन डेल थीटा, और इधर डेल थीटा अपॉन डेल एक्स की वैल्यू जो होती है माइनस का साइन थीटा अपॉन आर, ये होती है माइनस का साइन थीटा अपॉन आर। अब देखिए कितना कितना सिंपल डेरिवेशन है। अच्छा, ये तो अपने चेंज ही कर लिया था, ये तो एडिट ही रहेगा, डेल डब्ल्यू अपॉन डेल थीटा आपको चेंज यहाँ पर करना है, तो आप इसको लिख सकते हो U प्लस आयोटा वी अपॉन डेल आर, इसको अपन चेंज कर रहे हैं डेल थीटा के अंदर, तो इसको आप लिखिए U और V की फॉर्म में cos थीटा प्लस डेल डब्ल्यू अपॉन डेल थीटा माइनस को इधर लिख लीजिए आर साइन थीटा अपॉन आर।
ये हो गया यहाँ से, आप इसको लिख सकते हो डेल यू अपॉन डेल आर प्लस आयोटा डेल वी अपॉन डेल आर, लिख दिया यहाँ पर कोस थीटा है, माइनस का डेल डब्ल्यू अपॉन डेल थीटा साइन थीटा अपॉन आर। और देखिए यहाँ से इसको चेंज करना है थीटा में, तो कर दीजिए डेल यू अपॉन डेल आर, डेल यू अपॉन डेल आर बराबर होता है वन अपॉन आर डेल वी अपॉन डेल थीटा के, वन अपॉन आर डेल वी अपॉन डेल थीटा। अब डेल वी अपॉन डेल आर है, डेल वी अपॉन डेल आर है, ये बराबर होगा, ये इधर आएगा नीचे आ जाएगा माइनस वन अपॉन आर माइनस आयोटा वन अपॉन आर डेल यू अपॉन डेल थीटा, डेल यू अपॉन डेल थीटा कोस थीटा माइनस डेल डब्ल्यू अपॉन डेल थीटा साइन थीटा अपॉन आर। यहाँ से आपको क्या करना है, वन अपॉन आर को बाहर ले लीजिए, यहाँ पर ये तो v है और ये u है, ये u और v में फर्क नहीं पता चल रहा, u ठीक है ना। तो आप क्या करोगे, आप आयोटा टर्म्स तो यहाँ पर चाहिए क्या, चाहिए ना, वन अपॉन आयोटा बाहर लीजिए, बाहर लेना है आपको वन अपॉन आयोटा या फिर यहाँ पर आयोटा चाहिए, तो यहाँ पर माइनस वन माइनस लगा कर आयोटा स्क्वायर लिखिए, माइनस आयोटा स्क्वायर अपॉन, देखो माइनस आयोटा आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन और माइनस वन ये रहा प्लस वन हो गया, इसको अपन ने लिखा है ये आर हो गया डेल वी अपॉन डेल थीटा माइनस आयोटा अपॉन आर डेल यू अपॉन डेल थीटा, ये हो गया कोस थीटा माइनस डेल डब्ल्यू अपॉन डेल थीटा साइन थीटा अपॉन आर, ये हो गया। अब यहाँ से अपन आयोटा अपॉन आर दोनों माइनस है तो माइनस को बाहर ले लेते, माइनस का आयोटा अपॉन आर ये बाहर ले लिया, आपके पास बचा डेल यू अपॉन डेल थीटा प्लस डेल वी अपॉन डेल थीटा, ये हो गया कोस थीटा माइनस डेल डब्ल्यू अपॉन डेल थीटा साइन थीटा अपॉन आर। इसको आप लिख सकते हो डेल डब्ल्यू अपॉन डेल डेल डब्ल्यू अपॉन डेल थीटा, और यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस का आयोटा अपॉन आर ये कोस थीटा, ठीक है ना, माइनस डेल डब्ल्यू अपॉन डेल थीटा साइन थीटा अपॉन आर, और जो लास्ट टेंट बचेगा अपना रिजल्टेंट वो होगा, देखिए डेल डब्ल्यू अपॉन डेल जेड ये बराबर हो गया आपका डेल डब्ल्यू अपॉन डेल थीटा को आपने बाहर ले लिया, माइनस को बाहर ले लिया दोनों टर्म्स के अंदर से, तो आपके अंदर अंदर बचा आयोटा अपॉन आर कोस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन आर साइन थीटा अपॉन आर। या फिर इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो यह
इसी को आप ऐसे लिख सकते हो माइनस का आयोटा अपॉन आर, आयोटा अपॉन आर इसी फॉर्म में रखना चलो कोई दिक्कत नहीं है, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो माइनस का आयोटा अपॉन आर कोस थीटा माइनस का आयोटा साइन थीटा डेल डब्लू अपॉन डेल थीटा, ये आपका डेरिवेशन है डेल जेड। ये आप सोच लेना कैसे आया है, देखो यहाँ से आयोटा स्क्वायर आयोटा अपॉन आर को बाहर लिया है, ठीक है ना, तो आयोटा अपॉन आर को भाग लेंगे तो यहाँ पर माइनस लगा करके आयोटा स्क्वायर लिख सकते हैं, और आर नीचे है ही तो यहाँ पर आयोटा बच जाएगा, माइनस का साइन रह जाएगा और ये कोस थीटा, समझ गए। तो ये डेरिवेशन है, कल पढ़ते हैं बाकी का, कल अपन स्टार्ट करेंगे हार्मोनिक फंक्शन प्रयोग संवादी फलन, उससे पहले एक क्वेश्चन और करेंगे कल, ठीक है, कल मिलते हैं। Okay.